रांची नगर निगम में जो मेयर का पद एसटी के नाम से आरक्षित था, अब आने वाला चुनाव जो होने वाला उसमें एसटी को समाप्त करते हुए उसको एससी के लिए कर दिया गया है। और इसको लेकर के कई एक आदिवासी संगठन, तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कई एक लोगों के द्वारा हमको ज्ञापन भी सौंपा गया, आज भी लोग ज्ञापन दिए हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, भाई क्या आधार क्या है, चूँकि ये शेड्यूल एरिया है, आधार कम से कम आपको बताना चाहिए कि क्या आधार है इसमें, और आप किस ये के तहत उसको आप शेड्यूल एरिया है, आप इसको, चूँकि लोगों की जनभावना से है, भावना है पूरा आदिवासी लोग का भी, लेकिन आपको बताना होगा कि भाई आधार क्या है, इसको आप आदिवासी सीट को हटा करके आप इसको अनुसूचित जाति के पर करना, और इस पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री, हम समय लेंगे और ये प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल भी मिल करके उनको हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा निर्णय जो लिया गया है, पता चला पूरी चीज़ों को देखा गया नहीं देखा गया, ये तमाम चीज़ों को देखने की जरूरत है, इसलिए सरकार को एक बार इस पर पुनर्विचार दिया जाना चाहिए। नहीं, अभी उसको हम चुनाव के बारे में इसलिए कहें कि सरकार को इस बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आधार क्या है, लोग जानना भी चाह रहे हैं किस आधार से किया गया इसको। हाँ, किससे आप पूछ रहे हैं? सरकार में तो खुद हैं आप, और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, कार्यकारी प्रदेश। नहीं, देखिए आप ऐसा है, सरकार में शामिल है, ऐसा है अशोक जी, हम सरकार में हैं, पार्टी सरकार, गठबंधन की सरकार है, हम आदिवासी समाज का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी समाज लोग ने इस तरह का निर्णय आने के बाद हमको ज्ञापन वगैरह वो लोग सौंपा उसको, इसलिए हम भी जानना चाह रहे हैं कि भाई आधार क्या है, किस आधार पर, जानना भी चाहती है लोग, समझ जानना चाहता है। दूसरी बात है कि सरकार को अगर ऐसा ही है कहीं कोई चूक हुआ है, क्या हुआ, पुनर्विचार सरकार को किया जाना चाहिए। इसके लिए आदिवासी समाज के कई एक संगठन माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और हम उनको आग्रह भी किया है, और मंगलवार को 3 बजे का समय भी वो दिया है उनको। जब कहा गया बात हुआ तो वो पदाधिकारियों से भी बात करने की बात उन्होंने कहा, तो इसलिए एक बार मिल करके पूरी चीज़ों को रखा जाएगा। दादा, आप कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? देखिए, हम बींग ए ट्राइब पार्टी के लाइन, हम बींग ए आदिवासी, और आदिवासी की बात कोई करते हैं लोगों में, जकर आदिवासियों में जो बात है, हम किसी का एससी का है, ओबीसी का, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, हम बोले हैं भाई कि ये शेड्यूल इलाका है, आप किस आधार से किए, ये हमारा जानना होगा। पार्टी पहले हम आदिवासी हैं, उसके बाद पार्टी है, ठीक है ना, पहले हम आदिवासी, आदिवासी की बात को हमको ये सोचना है, जब इस तरह का ज्ञापन वगैरह आ रहा है तो इसीलिए हम जानना आधार क्या है। दूसरी बात, हम अभी आग्रह करेंगे लोग जनमानस को ध्यान में रखते हुए कि इसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।